नेक्स्ट बाउंड्रीज। अब बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री बाउंड्री इज ए सेपरेटिंग पार्ट, इट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग टू ईच अदर। बात समझ में आया? यानी सिस्टम एक एक्सपेरिमेंटल पार्ट होता है जिसको हम लोग यूनिवर्स में रख करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बाउंड्री हमारा सेपरेटिंग पार्ट होता है, ये सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है? सेपरेट करता है। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारा यहां पे? सराउंडिंग। तो सराउंडिंग पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री। हालांकि ज्यादा डिटेल में टाइप्स ऑफ बाउंड्री नहीं पढ़ना है, ये जो एडवांस टाइप्स का केमिस्ट्री होता है उसमें पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बताता हूं। एक बाउंड्री हमारा होता है रिजिड बाउंड्री और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बाउंड्री। समझाता हूं कैसे। देखो, जैसे मान लो कि रिजिड बाउंड्री और फ्लेक्सिबल बाउंड्री में डिफरेंस पता करना है तो कैसे करेंगे? तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखना, जब सिस्टम वर्ड यूज किया जाएगा तो एक दिमाग में इमेज क्रिएट होना चाहिए कि एक हमारे पास सिलेंडर होगा, उस सिलेंडर पे एक पिस्टन लगा होगा, वो पिस्टन हमारा मूवेबल होगा, मतलब मूव करेगा ऊपर नीचे, और इसमें कोई गैस को फिलअप करते हैं। ठीक। अब ये पिस्टन, ये वाला पार्ट भी इस गैस के लिए बाउंड्री का काम करेगा, तो इस पिस्टन को पकड़ के जब हम ऊपर नीचे ऐसे करेंगे तो ये पिस्टन मूव करेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज, यानी ऐसा बाउंड्री जो मूवेबल होता है या मूव करता है या मूवमेंट में होता है, उसी को हम लोग फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज कहते हैं। क्लियर है? आगे, रिजिड बाउंड्री का मतलब होता है कि जैसे घर का दीवार, ये जो घर का दीवार होता है, अब ऐसा नहीं कि हमेशा मूव करता है ऐसे अप डाउन करता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये अपने जगह फिक्स होता है, प्रेजेंट होता है, तो इस टाइप्स के बाउंड्रीज को हम लोग कहते हैं रिजिड बाउंड्रीज। ये इसका मतलब था। ठीक है, ये क्लियर होगा।